नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है। दुरूद उस पर कहा जिसने कि इंसान सब बराबर हैं। कॉलम निगार हैं डॉक्टर सुगरा सदफ और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। कुछ शख्सियात को हैरान करने की इजाफी खूबी वदियत होती है जो उनकी तहरीर व तकरीर के अलावा शख्सियत के हर इजहार में पूरी तवानाई से झिलमिलाती है। मंसूर अफाक भी ऐसा ही शायर बल्कि इंसान है जिसकी शख्सियत का हर पहलू हैरान कुन है। बज़ाहिर पुरसुकून रहने वाले के दिलो दिमाग में ख्यालात का तलातुम बरपा रहता है। लफ्ज़ मंसूर की इनफरादियत और आफाक की हमागीर तासीर इसके वजूद के हर इजहार पर गालिब है। उसकी चश्मे बीना से ओझल जजीरों की जरखेज ज़मीनों से मुश्तरक मिजाज की हामिल जुबानों के लफ्ज़ चुनती सलीके से यूं इजहार का वसीला बनाती है कि आखिर तक एक तजस्सुस साथ साथ चलता है। मुझे ये तो खबर थी कि वो नात के हवाले से एक मुमताज़ शायर ख्याल किया जाता है। उसका पहला शेरी मजमुआ आफाक नुमा जो 1984 में शाया हुआ था नातिया शायरी पर मबनी था, यानी तख्लीकी सफ़र का आगाज़ ही नात से किया गया। मगर ये खबर न थी कि इसकी नात की तासीर से दिलों में बराजमान कैसरो कसरा के लातो मनात टूट कर रेजा रेजा होने लगते हैं। इस हैरान कर देने वाले शायर ने गुज़श्ता दिनों उस वक्त पूरी महफिल को अपने लफ्ज़ों से फूटते नूर की तासीर से बांध लिया जब प्लाक में अशराए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मंसूर आफाक बहैसियत एक नात गो शायर तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें वो 1.5 घंटा तक अपनी सोजो गुदास में गुंधी नातिया शायरी सुनाता रहा और सुनने वाले सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे। नात का हर्फ हर्फ जज्बों से भरा, एहसासात में परोया और दर्दे दिल के सेक में पसीजा हुआ रूह में उतरता रहा। अगरचे उसके हर लफ्ज में मोहब्बत और अकीदत की सरशारी है मगर वो सिर्फ इस रवायती बयान तक महदूद नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए वो ज़ातो कायनात के मामलात को आलम की सी वसअत बख्श रहा है। उसकी नात खैर का पैगाम बनकर दिल पर दस्तक देती दिखाई और सुनाई देती है। इसमें अजब किस्म की दिलावेजी समा गई है जो सच्चे इश्क की देन है। रूह की सरशारी और दिल की वारफ्तगी को मुख्तलिफ लबो लहजे और चुनिदा लफ्जों में पिरो कर दुरूद की तस्बीह बनाने वाले का लम्हा मौजूद में कोई मुकाबला नहीं। इसने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफादा करके जो नात कशीद की है वो पहले कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत के कई गुलिस्तान खिले हुए हैं। मिसरा मिसरा उनकी तालीमात की तकलीद के अज़्म से भरा हुआ है। लफ्ज़ लफ्ज़ में आशिक के दिल की कूक धड़कती है। उसका तकरीबन हर शेरी सिनफ़े सुखन पर नात कहना सादत भी है, कमाल भी और अता भी। आज़ाद नज़्म से पाबंद नज़्म तक और फिर गज़ल का दिलकश पैरहन नात की रोशनी और खुशबू से महक रहा है। इसने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तिग़ासा के तौर पर अपने दुख जिस दिलकश पैराही में पेश किए हैं वो सुनकर हर दिल में दिए जलने लगते हैं और आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की रोशनी में आगे बढ़े तो सुरखरू होती है। मंसूर की नात में वैसा ही तनव्वो है जैसा जिंदगी में है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को नात की सूरत में नुमाया करके इसने मुबलिक से बढ़कर इंसानियत की खिदमत की है। अगरचे नातों के ज़्यादातर मज़ामीन अहादीस और कुरान हकीम से लिए गए हैं मगर अंदाज़े बयान की खूबसूरती ने उन्हें नए रंग अता किए हैं। मंसूर आफाक की नातिया शायरी मुरव्वजा खदो खाल से अलग और मुनफरिद है। अंदाज जदीद तर है, तर्ज बयां में नुदरत है, इश्क की वारफ्तगी है मगर इजहार में ऐसी अकीदत के लफ्ज़ों के हाथ बंधे और गर्दन झुकी महसूस होती है। उसकी नात जज्बा ईमानी का दिया दिल में यूं फिरोजा करती है कि बेहिसी की बर्फ में जकड़ी फ़ज़ा नारा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज से मामूर हो जाती है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तवानाई ने मंसूर को हलीमी, बुर्दबारी और तमकिनत अता की है। दुआ है कि वो यूं ही अब्रे करम में भीगता रहे और उसका कलाम पढ़ने वाले दिल भी मोम होने की तरफ सफ़रे आगाज़ करें। दुरूद के कुछ आशार देखिए। दुरूद उस पर कि जिसने सरबुलंदी खाक को बख्शी, तजल्ला आदमी की करियाए अखलाक को बख्शी। दुरूद उस पर कि जो जमहूरियत का दीन लाया था, जो लोगों की भलाई के लिए लोगों में आया था। दुरूद उस पर कि जो जागीरदारी का मुखालिफ था, जहाँ में मालो जर की शहरयारी का मुखालिफ था। दुरूद उस पर कि जिसने सूद फरमाया बटाई को, कहा जायज़ फ़कत अपनी ही मेहनत की कमाई को। दुरूद उस पर कहा जिसने कि इंसान सब बराबर हैं, ज़मीं पर सब लकीरें खींचने वाले सितमगर हैं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।